अच्छी मूवी है, ही इज वेरी फाइन, ठीक ठाक ठीक ठाक ठीक ठाक। सबसे अच्छी एक्टिंग आयुष्मान की है और बाकी सब लोग ठीक है और जो सब अच्छा है, वेरी गुड, इट्स वेरी नाइस। Hi, it's a lovely movie. It's a fantastic movie with Ayushmann Khurana has done wonderful acting. I think he is only one of the few characters who can pull out this gender, this thing, and he is the supporting cast. They've put their bits everywhere, and it's a very nice movie. Yeah. So basically, see, this Dream Girl is more of Ayushmann, and so the female lead Ananya Pandey is equally good. So there's no comparison. It's nice. It's good. It's an out and out entertainer. Bollywood. Pura Bollywood masala hai. Okay? Thank you. अच्छी थी काफी, बट वन ज्यादा अच्छी थी, बट टू भी बहुत अच्छी है, देखनी चाहिए। आयुष्मान फर्स्ट वाले में तो बहुत अच्छा लग रहा था, सेकंड वाले में भी अच्छा लग रहा है बहुत। नुसरत की मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी फर्स्ट में, सेकंड में कुछ रोल भी नहीं है ऐसा अनन्या पांडे का मुझे लगा नहीं। फोर आई रेट फोर। स्टोरी इज ऑल्सो गुड, बीच में ऐसा पॉइंट था कि बहुत अच्छा भी था, एंड बीच में था कि फर्स्ट बहुत अच्छी थी, बट हाँ आयुष्मान की एक्टिंग तो ऑलवेज अच्छी है उसकी, तो ही इज़ द बेस्ट। थैंक यू थी बहुत अच्छी, आयुष्मान इज़ दी बेस्ट, नुसरत अच्छी तो ज़्यादा अच्छा होता, बट अदरवाइज भी बेस्ट है, कॉमेडी मोमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, और ओवरऑल थ्री आउट थ्री थ्री एंड हाफ अनन्या, मतलब बेटर वॉज नुसरत। स्टोरी हाँ 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 डेफिनेटली, या थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी थी, हाँ ऑलमोस्ट, पर वन जैसी थी ना वैसी, ओके टू भी अच्छी है पर वन वॉज द बेस्ट। नहीं ओके शी वॉज गुड, बट द फर्स्ट शायद वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हाँ कॉमेडी वॉज बेस्ट, कॉमेडी में तो बहुत मज़ा आया। हाँ फोर एकदम मज़ा, फ्रेंड्स के साथ देखने में तो और मजा, भी मजा। एकदम सुपर्ब, लगता ही नहीं कि उन्होंने ऐसा गर्ल का जो रोल किया है, बेस्ट। ड्रीम गर्ल में हमने पूजा देखा था आयुष्मान का, इस बार वो कायदा हमें दिख रहे हैं। हाँ उनका अवतार आपको कैसा लगा? एकदम बहुत अच्छा, उसका जो ड्रेसअप देखने में भी इतना मजा आया, और एक्टिंग तो सुपर्ब, और पूरे पिक्चर में हंस हंस के हम कंटिन्यू पागल हो गए। अनन्या की भी अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। कम है, रोल कम है थोड़ा, लेकिन बहुत अच्छी है। बहुत ही बहुत पसंद आई। फोर एंड हाफ, फोर एंड हाफ, फोर एंड हाफ। बहुत अच्छी, बहुत मज़ा आ गया, पूरा दिन सुपर हंसते हंसते ही निकलेगा। और मज़ा, फ्रेंड वही तो पिक्चर देखने आए, आयुष्मान को ही तो देखने आए थे, बहुत मत दोनों भी पिक्चर बहुत अच्छी है। हम लोग आयुष्मान को ही देखने आए, उसकी एक्टिंग, उसका ही जो गाना वगैरह देख के मज़ा आ गया, गाना सुपर है, मज़ा आया, डिंग डिंग अच्छा है। फाइव में से फाइव। यस मूवी बहुत अच्छी है, एंटरटेनमेंट है, और मैं यही कहूँगा कि अपनी फैमिली के साथ आइए, आप लोग इन्जॉय कीजिए, एंटरटेनमेंट से भरी पड़ी, चाहे वो फर्स्ट हाफ हो चाहे सेकंड हाफ हो, मज़ा बहुत आने वाला है। आयुष्मान सर का परफॉर्मेंस दिल से बोलूँ ना तो माइंड ब्लोइंग है, मतलब बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो पूरी ओवरऑल मूवी को देख ले, चाहे उनके डांस परफॉर्मेंस को देख ले, चाहे वो सॉन्ग में जितना भी उन्होंने मूवमेंट अदा किया है ना, लिटरली बहुत ही खूब किया है, बहुत मज़ा आया, दिल से मज़ा आया। बट ड्रीम गर्ल वन इससे ज़्यादा बेटर है, और ड्रीम गर्ल टू थोड़ा थोड़ा सा रह गया है। डेफिनेटली नुसरत मैम ने ना जो काम किया है अब तक, मतलब माइंड ब्लोइंग काम किया, और कर भी बहुत अच्छा रही हैं,
एंड अनन्या मैम का कहीं ना कुछ वो कुछ पार्ट रह जा रहा है एक, जो हमें नहीं दिखने को या खिल के नहीं आ रहा शायद से, मुझे लगता है थोड़ा सा उनको और मेहनत करनी चाहिए। इस मूवी में फेवरेट पार्ट यही रहा है कि जब टाइगर जी का फ़ोन आता है और वो कॉल करते हैं, हाय मैं पूजा बोल रही हूँ, लोन चुकाने वाली बात आती है, तो लिटरली इट्स वेरी नाइस। मतलब ऑल ओवर मूवी देखना बहुत एंटरटेनमेंट है, हंसी है, मजाक है, मज़ा आ जाता है, बहुत अच्छे। चाहे मैं विजय राज सर की बात करूँ, चाहे मैं अनु कपूर सर की बात करूँ, चाहे फिर और भी जो भी पात्र हैं छोटे छोटे, सबने बहुत हंसाया है, बहुत एंटरटेनमेंट किया है। मैं कहता हूँ अपनी फैमिली के साथ आइए, आप भी अपनी फैमिली के साथ आइए और ये फिल्म देख के जाइए। और अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ तो 5 में से 3.5 दूँगा, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं नुसरत जी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अनन्या जी से थोड़ा थोड़ा सा दुखी हूँ। अगर उनका थोड़ा सा परफॉर्मेंस और हिट होता शायद पिक्चर बहुत अच्छी जाती। हाँ मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें कुछ छूट रहा है उनसे, मुझे लगता है आगे आने वाली फिल्में उनकी बहुत अच्छी जाएंगी। बट ठीक है, बट आयुष्मान सर से और बाकी और भी पात्र जो भी हैं, चाहे वो अनु कपूर सर हो, चाहे वो विजय राज सर हो या कोई भी पात्र हो, माइंड ब्लोइंग काम किया, या फैमिली एंटरटेनमेंट, चाहे वो फर्स्ट हाफ हो चाहे सेकेंड हाफ हो, दोनों बहुत मज़ेदार है। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। ड्रीम गर्ल 2 जो मूवी है वो फर्स्ट पार्ट से, ड्रीम गर्ल फर्स्ट पार्ट से भी बहुत अच्छी है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आयुष्मान खुराना सिर्फ आवाज़ ही निकालता था, इसमें कुछ लड़की भी बना हुआ है तो बहुत अच्छा है। हाँ वो भी है, दो अनन्या पांडे है, नुसरत भरोसा भी है, अपना अनन्या पांडे की केमिस्ट्री अच्छी है दोनों की। अनन्या पांडे की एक्टिंग में कुछ खास नहीं है, एवरेज है, लेकिन मेन तो आयुष्मान खुराना है। वही उसका जो लड़की जो बना है आवाज़ जो निकालता है वो एंटरटेनमेंट, फुली एंटरटेनमेंट है। हाँ वन हाँ रिकमेंड, सबको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि वन टाइम वॉच है और देखना चाहिए पिक्चर, अच्छी कॉमेडी है और बाकी जो कॉमेडियन जो है वो भी, उनके भी रोल बहुत अच्छा है, कॉमेडी मूवी है तो कहीं बोरिंग नहीं होती है। गाड़ियाँ 3 उसके गाने, उसमें कुछ खास नहीं है गाने और म्यूजिक में इसके लिए।